ये परिवर्तन यात्रा 7 अगस्त 2018 से शिवनी मध्य प्रदेश से चल रही है और 6 फरवरी 2019 तक लगातार 6 महीने तक ये परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में चलेगी और इस दौरान 441 जिले पहुंचने की योजना है और अगले साल 556 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा कई राज्यों में पहुंच चुकी है, चल चुकी है और कई राज्यों में आने वाले समय में ये चलने वाली है। जैसे जम्मू कश्मीर में चल चुकी है, हिमाचल प्रदेश में चल चुकी है, पंजाब में चल रही है, हरियाणा में चल चुकी है, दिल्ली में चल चुकी है, उत्तर प्रदेश में चल चुकी है, बिहार में चल चुकी है, बंगाल में चल चुकी है, झारखंड में चल चुकी है और ओडिशा में कल उसका समापन हो गया, छत्तीसगढ़ में चल चुकी है, मध्य प्रदेश में चल चुकी है, राजस्थान में चल चुकी है और गुजरात में चल चुकी है, महाराष्ट्र में चल चुकी है और आने वाले समय में जो बचे हुए स्टेट है ये लगभग 31 राज्यों में चलने वाली है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, ये जब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोहरा होता है, उस दौरान साउथ इंडिया में ज्यादा ठंड नहीं होती है, ज्यादा कोहरा नहीं होता है, उस दौरान ये परिवर्तन यात्रा साउथ इंडिया में चलेगी। तो इस तरह से साथियों, ये परिवर्तन यात्रा 441 जिलों में पहुंचने वाली है और अगले साल 556 जिलों में पहुंचेगी। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 7 साल तक लगातार ये परिवर्तन यात्रा चलेगी जब तक 6 लाख गांव सारे देश भर में 6.5 लाख गांव है। 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों में जब तक ये परिवर्तन यात्रा चलेगी नहीं और आंदोलन के लिए संगठन नहीं बनेगा, समर्थन नहीं होगा, तब तक ये यात्रा परिवर्तन यात्रा चलती रहेगी। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा जो निकाली गई है, इस देश के मजलूम लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, आदिवासियों लोगों ने, पछड़े वर्ग के लोगों ने और कटगंथी के लोगों ने, आजाद भारत में ऐसी कोई परिवर्तन यात्रा इसके पहले नहीं निकाली है, क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मानव संसाधनों की जरूरत होती है और बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए कोई और हमसे कोई और इस तरह की कोई परिवर्तन यात्रा नहीं निकाल पाया। हमने, मैं 19 साल की उम्र का था तब से इस संगठन बनाने का काम हमने शुरू किया था और आज मेरी उम्र 61 साल की है, 41 साल का समय हो गया है और 41 साल का समय लगाकर ये संगठन 31 राज्यों में, 539 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में संगठन हम लोगों ने बनाया। और पिछले साल 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2017 तक, 31 दिसंबर 2017 तक हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर से 17 करोड़ रुपए का निधि इकट्ठा किया और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए खर्चा किया। साथियों,
इस संगठन का जाल है सारे देश भर में फैला हुआ, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह की परिवर्तन यात्रा निकालने में कामयाब हुए। जब हमने इस परिवर्तन यात्रा को निकालने का संकल्प घोषित किया था तब हमारे पास इस तरह की परिवर्तन यात्रा निकालने का कोई तजुर्बा नहीं था। इसलिए एक तजुर्बा हासिल करने के लिए हमने महाराष्ट्र में 42 दिन की परिवर्तन यात्रा 24 अप्रैल से लेकर 3 जून तक निकाली। तब सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का रात का खाना, रहने की व्यवस्था और दिन में 3 बार बड़े बड़े कार्यक्रमों की व्यवस्था, नियोजन और सारा प्रोपेगंडा प्रचार, इसकी सारी व्यवस्था महाराष्ट्र के लोगों ने की, हमारे संगठन ने की। एक नया पैसा हमें खर्चा करना नहीं पड़ा, संगठन को खर्चा नहीं करना पड़ा, उल्टा महाराष्ट्र के लोगों ने 45 लाख रुपया 42 दिन में 45 लाख रुपया ऊपर से आंदोलन चलाने के लिए दिया। अभी भी आप देख रहे हैं, आप कपूरथला में हम आए, कपूरथला में कई उनसे ही साधन संसाधन लेंगे, उनसे ही साधन संसाधन लेंगे और आंदोलन आगे बढ़ाने में साथ सहयोग मिलेगा। इसके लिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को बता रहा। तो ये जो परिवर्तन यात्रा आज कपूरथला में आ पहुंची है, ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली है इसे जानना जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम लोगों को हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री कहता है, अब इस साल 70 साल हो गया है, 71 साल हो गया है, ये हर साल हम लोगों को बताया जाता है कि आजादी मिलकर इतना साल हो गया, उतना साल हो गया। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि इस देश को और देश के रहने वाले जो मूल निवासी है उन लोगों को आजादी मिली, मैं इस बात को नहीं मानता। 15 अगस्त को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बना के रखा, हम ब्राह्मणों के गुलाम है और ब्राह्मणों ने हम लोगों पर गुलामी थोपी, ब्राह्मणों ने हम लोगों पर गुलामी थोपी। ये जो गुलामी थोपी, अगर इसका बहुत लंबा उदाहरण नहीं तो सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको पता चले, ये ब्राह्मणों ने गुलामी हमारे थोपी, इसका सबूत बताना चाहता हूं। ब्राह्मण लोग निर्धारित कर रहे हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, हमको क्या नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब यह है फैसले लेने वाले के पास आजादी है और हमारे बारे में फैसले कर रहे हैं कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है हमको खाने के बारे में भी आजादी नहीं है, बाकी आजादी तो छोड़ो, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका फैसला लेने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है, इसका फैसला लेने का अधिकार भी ब्राह्मणों के पास है। इसे सिद्ध होता है कि हम आज इस देश में आजाद नहीं है। तो ब्राह्मणों ने इस देश पर ब्राह्मण राज थोप दिया है। कोई राज जो थोपा जाता है वो स्वेच्छा से नहीं थोपा जाता है, जबरदस्ती से थोपा जाता है। तो ये ब्राह्मण राज उन्होंने कैसे थोपा, ये 3.5% लोग है और 3.5% लोगों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। 1885 को नेशनल कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, चटर्जी मुखर्जी बैनर्जी गोखले तिलक आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई 1885 को। 1925 को आरएसएस बनी, 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे नाम का कोकनस्थ ब्राह्मण ने बनाई। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगे ने जैसी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई उसी से अलग होकर ईएमएस नंबुद्री पाद, एक केरला का नंबुद्री ब्राह्मण उसने बनाई, होगी 3 पार्टियां नेशनल लेवल की अकेले ब्राह्मणों की। चौथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी,
एआरएसएस ने 1951 में बनाई जनसंघ, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी था और अटल बिहारी अडवाणी ने मिलकर ये पार्टी 77 में जनता पार्टी में विलीन किया था। विवाद हुआ, 80 में बाहर आ गए और 80 में दूसरी पार्टी में आई, पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, ये विदेशी जनता है, ये भारतीय जनता नहीं है, ये विदेशी जनता है। इनको विदेशी जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। साली बड़ी अजीब किस्म की बात है, ये भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये चौथी पार्टी ब्राह्मणों की और उसका पहला भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ए ममता बनर्जी बंगाल की ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उसने बनाया। होगी पांच नेशनल लेवल की पार्टियां। मैंने मुसलमानों को पूछा, आपकी संख्या 15% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% वाले लोगों ने पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, आपकी कितनी पार्टियां हैं? तो मुसलमानों ने मुझे कहा, हमारी तो एक भी नहीं। 15% मुसलमानों की संख्या है, उनकी एक भी पार्टी नहीं है, और 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है, उनकी पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां है, कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने बनाई। साथियों, यदि इस देश में ईमानदारी से चुनाव हुए होते, अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव हुए होते तो 3.5% संख्या वाला ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच चुनवा नहीं सकता। जो 3.5% जिनकी संख्या है, जिस संख्या के आधार पर ब्राह्मण अपना पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो सरपंच नहीं बना सकता गांव का, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। ये नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। ये गुजरात का पिछड़े वर्ग का आदमी है और प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसने पहला फैसला पिछड़े वर्ग का आदमी है, पिछड़े ही वर्ग के विरोध में लिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री पिछड़े ही वर्ग के विरोध में फैसला लिया। दूसरा फैसला, 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के आईएएस आईपीएस आईआरएस परीक्षा पास किए, ट्रेनिंग लिया, प्रधानमंत्री के पास फाइल पहुंची पोस्टिंग देने के लिए, रद्द कर दिया। पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री ने एक भी आदमी को पोस्टिंग नहीं दिया। तीसरा निर्णय लिया नरेंद्र मोदी ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, कि पिछड़े वर्ग का जो कमीशन है वो रद्द कर दिया जाता है। चौथा निर्णय लिया पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री ने कि इस देश में पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने एक नया पैसा नहीं दिया विकास करने के लिए। ए नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर इतना भाषण करता है, इतना भाषण करता है, घंटों घंटों बोलता है, विकास 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 विकास, घंटों घंटों बोलता है, विकास पर भाषण करता है। 15 अगस्त को घंटा बोलने के बजाय 1.5 घंटा बोला, यानी भाषण में 1.5 घंटे का विकास हो गया, मगर धरातल पर कहीं कोई विकास होता हुआ दिखाई नहीं देता। और गैस का कनेक्शन दिया, मतलब गैस जो है, गैस नहीं दिया, गैस का जो चूल्हा होता है वो दिया, और गैस बोलता कंसेशन में ले लो, गैस है ही नहीं, चूल्हा दे दिया। अब चूल्हा बगैर गैस का साला चलता ही नहीं है। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने टीवी पर दिखाया कि ये चूल्हा दिया, गैस दिया ही नहीं, और हर पेट्रोल पंप पर साला विज्ञापन छाप रहा है। अब 3 करोड़ हो गया, अभी 4 करोड़ हो गया, अभी 5 करोड़ हो गया। अब लोग देखने वाले बोलते कि हले हो गया होगा, प्रधानमंत्री तो इतना झूठा नहीं बोलता। मगर अगर आप सोशल मीडिया में, गूगल में फेकू शब्द डालो, फेकू,
तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। तो इसका मतलब है इतना ज्यादा फेंकता है, इतना ज्यादा फेंकता है, इतना ज्यादा फेंकता है कि उसका एक दूसरा नाम फेमस हो गया, फेंकू। नरेंद्र मोदी का मतलब फेंकू, तो इतना फेंकता है। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जो पत्रकार था, जब उसने इसको नंगा करना शुरू कर दिया, उसका कार्यक्रम ही बंद कर दिया। आज तक में कार्यक्रम चलता था, बंद कर दिया। फिर एबीपी न्यूज पर चलता, वो भी बंद कर दिया। मास्टर स्ट्रोक बंद कर दिया, हर जगह बंद कर दिया, उसके पीछे पड़ गया। क्योंकि उसको लगा कि मैं जो फेंकता हूं, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी मैं फेंकता हूं, ये साबित करता है, सारे लोगों को पता चल जाएगा मैं फेंकने वाला हूं, तो उसके ऊपर ही बंदी कर दिया। तो इस तरह से ये सारा खेल जो है ये सेवल प्रोपोगंडा है। ये नरेंद्र मोदी जो है ये प्रोपोगंडा आदमी करने वाला आदमी, और प्रोपोगंडा के लिए एक नया पैसा उसको खर्चा करना नहीं है, तो सारा सरकार करता है, सरकार प्रोपोगंडा करती है। और इस तरह से ये इतना हजारों कई कई हजार करोड़ रुपया प्रोपोगंडा करता है। अभी सरदार पटेल का स्टैचू बिठाया गुजरात में, नर्मदा के नदी के डैम पर उधर बिठाया, और वहां बिठाया, और यहां पंजाब में अखबार में, पंजाबी अखबार में उसका विज्ञापन छापा। हाँ, मतलब वहां लगाया स्टैचू और यहां विज्ञापन लिखा। वो इस तरह से 182 मीटर 182, तो इस तरह से ए नरेंद्र मोदी ने जो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, तो वहां जिस इलाके में उन्होंने ये स्टैचू बिठाया, मुझे वहां से जो छोटू भाई वसावा है वो विधानसभा के एमएलए है, कल मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कई गांव, लगभग 225 गांव इन्होंने उठा दिए स्टैचू के लिए, जो उधर उन्होंने तैयारी करने के लिए सारा उठाया, तो हमारे आदिवासियों के इतने गांव उठा दिए, हम लोग इस तारीख को सारे आदिवासी इलाके में बंद का पालन कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर आदिवासियों के साथ स्टैचू बिठाने के लिए अन्याय हो रहा है, तो हम भी आपका समर्थन करते। स्टैचू बिठाने का हमारा विरोध नहीं है, मगर स्टैचू बिठाने के लिए लोगों के घरों से लोगों को उजाड़ देना, इसका हम विरोध करते हैं। और साथियों, इस तरह से ये आदमी जो है, इस तरह से सारे के सारे जो फैसले जनहित के विरोध में कर रहा है, बैकवर्डों के ही विरोध में कर रहा है। और दूसरी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश का प्रधानमंत्री है, बैकवर्ड का आदमी है, बैकवर्ड के ही विरोध में फैसले कर रहा है। अभी मुझे कई जगह से जानकारी मिली, अभी लगभग 4.5 साल हो गया, बच्चों को वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, अभी 4.5 साल हो गए SC ST BC के बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, वजीफा ही नहीं मिला। 3,500 करोड़ रुपया स्टैचू पर खर्चा किया, ये जो SC ST OBC का जो वजीफा है वो उधर डाइवर्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से ये जो फैसले है, ये फैसले बैकवर्ड लोगों के ही विरोध में कर रहा है। तो क्या एक बैकवर्ड का आदमी बैकवर्ड के ही विरोध में फैसले कर रहा है, ये ऐसी बात स्वाभाविक नहीं मानी जा सकती। ये स्वाभाविक कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण देकर यह कहना चाहता ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ये पंजाब में या कपूरथला जिले में गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, आपको गधा समझ में नहीं आएगा, पंजाबी में खोता बोलते हैं, खोते से खोता आदमी ढूंढ लो, यानी खोते से भी खोता, ऐसा आदमी होता नहीं है मगर एक उदाहरण है, खोते से खोता आदमी ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और कहो कि तुम एक कुल्हाड़ी से अपना राइट पैर काट दो, तो खोते से खोता आदमी क्या कहेगा, मैं खोता जरूर हूं, इतना खोता नहीं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दो, खोता जरूर हो मगर इतना खोता नहीं हो कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दो। जब खोते से भी खोते आदमी को इतनी अकल है, तो नरेंद्र मोदी को इतनी अकल नहीं है कैसे कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी को भी अकल है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसको अकल नहीं, उसको समझ में नहीं आता। और अगर अकल है तो फिर यह फैसले क्यों कर रहा है।
ये फैसले अपने ही जाति बिरादरी पिछड़े वर्ग के विरोध में कैसे कर रहा है? तो ये पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले नहीं कर रहा है क्योंकि ये वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है, ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, ब्राह्मणों ने रखा हुआ है, इसलिए वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, इसलिए ब्राह्मण फैसले कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, ये कहा जा सकता है कि इसके हाथ में सत्ता नहीं है, ब्राह्मणों के हाथ में पर्दे के पीछे सत्ता है। साथियों, ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि इस देश में सारी सत्ता आज तारीख में ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, सारी व्यवस्था पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दूसरी बात यह है कि इस देश में हम लोगों को बताया जाता लोकतंत्र है, और जब पूछा जाता है भाई तुम लोकतंत्र है कैसा मानते हो, तो लोगों को केवल इतना मालूम है कि चुनाव होता है इसका मतलब लोकतंत्र है। तो हमारे लोगों को केवल इतना समझ में आता है कि चुनाव होता है इसलिए लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि चुनाव होता है। लोकतंत्र चार पिलर पर खड़ा होता है। पहला पिलर है विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है। 2009 के चुनाव में ब्राह्मणों की पांच पांच जो पार्टियां है, ये पांच पांच पार्टियों के 375 मेंबर पार्लियामेंट थे, 366 मेंबर पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है, मगर इनके पास 9 सीटें ज्यादा थी। 2014 में 411 सीटों पर इनके पार्टियों का कब्जा है, यानी किसी भी प्रकार का कानून बना सकते, इस पर उनका कब्जा हो गया, कब्जा कर लिया। दूसरा है कार्यपालिका, इसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारियों से बनता है, इसमें 79.2% एंड राउंड अबाउट 80% प्रशासन पर ब्राह्मण अंतस्सम ऊंचे जाति का कब्जा है, 20% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारी है। ये अधिकारी भी पांडे का चेहरा देखते हैं, तिवारी का चेहरा देखते हैं, चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी, चला एक भी वेद नहीं पढ़ा फिर भी चतुर्वेदी, और उनका चेहरा देख करके हमारे जो आईएएस अधिकारी है, ये लोग उनका चेहरा देखकर फैसला करते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, इसलिए वह ब्राह्मणों को नाराज नहीं करके फैसला करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो 20% हमारे अधिकारी है, ये भी उनके ही हिसाब से चलते हैं, चलाया जाता है। तो व्यवहार में ये प्रशासन पर 100% कब्जा उनका हो गया है। जो तीसरा पिलर है न्यायपालिका, 97,500 बोलियां बोली जाती है, सरकार मान्यता नहीं देती है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, उसको मान्यता है, सारी मीडिया पर उनका कब्जा है। तो ये जो लोकतंत्र के चारों पिलर हैं, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है उनका ब्राह्मणों का और तत्समूचे जाति का कब्जा, कार्यपालिका में ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा, न्यायपालिका में ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा, मीडिया में ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा, लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों का कब्जा कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहा है, ये लोकतंत्र पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए इस लोकतंत्र को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, इस लोकतंत्र को हमें ब्राह्मण तंत्र कहना चाहिए। अब ये जो लोकतंत्र है, इसमें से लोक खत्म हो गया है, यानी हमको निकाल दिया है लोकतंत्र से, हम लोगों को निकाल दिया है, तंत्र बचा हुआ है, और तंत्र पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, आपका कोई काम नहीं होता, आप पुलिस चौकी में जाओ, आपका एफआईआर नोंद नहीं होता, एफआईआर भी नोंद नहीं होता, अगर आग्रह करो तो आपके पिछवाड़े पर दो डंडे लगा दिए जाते हैं। कोई सज्जन आदमी पुलिस चौकी में जाने बोलते कि नहीं 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 छोड़ो, थोड़ा हम सह लेंगे, उधर जाने से और साला डंडा लग जाएगा, कोई जाता नहीं है, ये परिस्थिति है। और अगर मुसलमान हो तो डंडा नहीं लगता, बोलते इसको अंदर डाल दो, कांस्टेबल को चौकी इंचार्ज बोलता है इसको अंदर डाल दो,
तो कांस्टेबल चौकी इंचार्ज को बोलता है कि इसका तो कोई अपराध नहीं, तो कैसा अंदर? अरे तेरे को बोलता हूँ ना, अंदर डाल, पर डाल डाल के फिर आ जा। फिर डाल के अंदर जाके फिर चौकी को इंचार्ज के पास आता है कि कौन से दफा में डाले, सरकारी काम में हस्तक्षेप डाल दे सर, इज्जत जमानत हो जाएगा, देखा जाएगा। जमानत होगा तो बाहर जाएगा, नहीं जाए तो अंदर रहेगा, ये चल रहा है देश में। तो इसलिए परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दाखिल करने का आदेश देना पड़ता है। इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ होगा जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता हो एफआईआर दाखिल करने का, उस देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो गई हो। साथियों, इन लोगों ने लोकतंत्र में, लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। परिणामतः शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है, अनोमिनी ट्राइब के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। सिख, आपको पंजाब का उदाहरण ले, बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब के बेदबी के लिए अभी शायद 4 महीने हो गए, 120 दिन से ज्यादा समय हो गया, 4 महीने से ज्यादा समय हो गया, वो लोग जो है न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने सारा रिपोर्ट दे दिया, किसने गोली मारी, मारने का आदेश किसने दिया, और किसने देखा, गवाह लोगों के नाम दे दिया, सारा रिपोर्ट कैप्टन के पास चला गया। कैप्टन को कार्रवाई करने के बजाय कैप्टन ने क्या किया, अरे हाई कोर्ट के जज ने रिपोर्ट दिया, इन